अपने मम्मी पापा के छाया में रहते हैं, बड़े हो गए हैं तो वो सारी चीजें अब थोड़ी सी पॉसिबल है। वेलकम एवरीवन, फिर से मेरे व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने डे टू डे लाइफ की बातें शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे लगती है कि आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए, वो चीज़ें मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगी। अच्छा जी, जो आपने दाल देखी वो बहुत छोटी सी स्मॉल सी कढ़ाई में मैंने उसमें तड़का दी थी, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ मुनगे की दाल बनी थी और मैं नहीं खाती हूँ करके मैं अपनी दाल जो है वो अलग निकाल ली थी जो मुझे खानी थी, और बाकी सबके लिए मुनगे वाली दाल बनी थी, इसलिए छोटी सी कढ़ाई में मैंने उसे तड़का दिया। कई बार हमें छोटे छोटे बर्तन कितने क्यूट लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही क्यूट, वो घर घर किचन किचन वाली फीलिंग आती है। अच्छा जी, तो मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि हमारे घर बन रही थी चिकन और मैं बना रही थी, और यदि आप चिकन खाते हैं तो बेशक आपको ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। यदि वीडियो फुल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, ये तो छोटी छोटी ग्लिम्स ही मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने प्रिपेयर किया और कैसे मैंने कुक किया। अच्छा जी, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना वो ये है कि मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रही हूँ कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, स्टेज फेयर को आप कैसे दूर करें, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी मेरे चैनल में, तो उसके लिए भी आप वेट करिए। और ये जो स्पाइस है देखिए, मैंने उसे पीस लिया। हम लोग बाहर का जो मसाला है उसे यूज़ नहीं करते, होममेड मसाला ही यूज़ करते हैं, चाहे वो गरम मसाला हो, हल्दी मिर्ची का पाउडर हो, सारी चीज़ें हम घर की ही यूज़ करते हैं, धनिया भी हम घर में ही पिसवा के ही उसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो डिनर है वो रेडी हो गई है, जो पुलाव और डिलीशियस चिकन और कुछ सैलेड थी और मिर्ची की चटनी थी, और यहाँ पे हम सब डिनर करने के लिए बैठे थे, पूरे परिवार हम भोजन प्राप्त कर रहे थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पराठे। आज जो है मुझे पराठा खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं सबके लिए आज पराठा बनाने वाली हूँ। कई लोगों को पराठा खाना पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पराठा चाय के साथ ही अपना लाइफ पूरा स्पेंड कर सकती हूँ। जैसे कई लोगों को फैंसी नाश्ता खाने के भी शौक रहते हैं, लेकिन मैं पराठा चाय इज माई गो टू ब्रेकफास्ट, सहारे कि मैं अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पराठा बना रहे हैं। ये सारे ग्लास में जो मिर्च वगैरह धो के रही है पहले, तो उसको मैं सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो आज संडे और संडे स्पेशल में आज हमारे यहाँ बन रही है बिरयानी। तो आपके यहाँ क्या बनने वाली है बताइए। बचपन में जो मेरी मम्मी मेरे को पराठा बना बना के खिलाती थी, उसका क्या ही कहना। सिर्फ हम बचपन से हम पराठा खा के ही मोस्टली, कई बार ऐसा होता था मम्मी पूछती थी क्या बनाऊं, क्या खाओगे करके, तो मैं हमेशा पराठा का ही डिमांड करती थी और मम्मी पराठा बना के अपना ड्यूटी चली जाती थी। आराम से उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बस यही लाइफ चल रही थी। और सबसे सच बोले तो अगर हम अपने मम्मी पापा के छाया में रहते हैं, अभी भी है, लेकिन उस समय क्या है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती खाने पीने की, ये बनाना है वो करना है, बस बोल दो ये खाना है मम्मी ये बना दो, पापा ये बना दो, यदि आपके फादर भी कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उनको बस बोल दो और वो चीज़ आपके सामने पेश हो जाती है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो वो सारी चीज़ें अब थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, तो अब क्या है, कई चीज़ों को हमको खुद से ही करना पड़ता है। और अच्छी बात है, आप एक एक स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको खुद से
ये चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे, तो प्रोफेशनली ना हो पाए, लेकिन ये सब चीजें आपको आप सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। टच वुड, मेरे को कुकिंग करने का शौक था, तो बचपन से मैं कुछ कुछ बनाते रहती थी। तो अब मैं जैसे खाना वाना बनाती तो मुझे बोर नहीं लगता, मुझे इनफैक्ट वो चीज़ में मज़ा आती है। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें बहुत बोर लगती है, लेकिन यदि आप किसी चीज़ का पैशन में उस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे कि नहीं ये मेरा पैशन है, नहीं मुझे ये चीज़ बनाना है, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। पराठा बनाते हैं। अच्छा जी, आज हमारे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, लंच में आ रहे हैं, तो उसलिए भी हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है। नाश्ता करने के बाद मैं लंच करने की तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लग रही है भूख। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, आज यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया, और आज थोड़ा 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 करके लेट हो गया है। देखा है कि कई लोग ब्रेकफास्ट में उनको बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें, कभी इडली, कभी डोसा, कभी सांभर, और कभी मैगी, कभी ये, कभी वो, बहुत ज़्यादा लोगों को शौक रहती है कई लोगों को। और कई लोग बस पराठा चाय में ही जीवन बिता सकते हैं, जैसे कि कई लोगों में मैं भी आती हूँ, पराठा और चाय हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें वो मुझे ब्रेकफास्ट में नहीं, इवनिंग स्नैक्स में ये सब चीजें, पहले पराठा बना रही, तो ये पहले गोल बन गई है, अब इसको मैं सेक्शन करूंगी। अच्छा जी, कई लोगों को मैं देखी हूँ जैसे बॉक्स टाइप की वो पराठा बनाते हैं, तो मैं भी आज देखती हूँ ट्राई करके कैसी लगती है। ट्रायंगल वाला तो हम कब से खाते आ रहे हैं, ये वाला कोशिश करती हूँ मैं, देखती हूँ कि वो कैसी बनती है। अच्छा जी, अब रक्षाबंधन आने वाली है, बेशक आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई होगी कपड़ों की, शॉपिंग और कई चीजों की। बहुत दिन हो गए मैंने मेहंदी भी नहीं लगाया है, इस बार पक्का मैं मेहंदी तो लगाऊंगी ही। लास्ट मैंने कब अपने एनिवर्सरी में लगाया था, ये देखिए मैंने बना लिया। आप फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ। अब आप लोग के लिए मैं इसे खोलने के लिए भी तैयार हूँ। ये सर्कल मोशन में मैंने इसे इसे बेल लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर लगाया, उसके बाद उसको मैंने एक फोल्ड ऐसा दिया, उसके बाद ये जो फोल्ड है उसको हम ऐसे देंगे, उसके बाद ये है इसको ऐसे करके रखेंगे, दिख रहा है आपको, और देन वी विल डू दिस। देखिए कितनी अच्छे ये बन गई है। इस टाइप की जो पराठे हैं वो मैं फर्स्ट टाइम ही। अच्छा जी, तो उस टाइम मेरी बैटरी डेड हो गई थी फ़ोन की, सो कुडेंट ब्लॉग मोर, ये उसका रिजल्ट है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।